पे ठोक के मर जाएंगे ये लोग। रास्ते में दबंगबाजी करते हुए जा रहे बिना मतलब के पीछे पीछे हेलो दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चे, बड़े, मेले समेत एक बार फिर से स्वागत करता आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। फिलहाल संडे राइड में आए थे हम ये वाले रोड पर, अभी जा रहे हैं वापसी। तो बहुत सारे भाई लोगों ने कमेंट किया था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बाइक R15 वर्शन 3 जो हमने चलाया था दो दिन तीन चार दिन पहले एक वीडियो में। तो बहुत सारे भाई लोगों ने बोला था कि ये वाला जो बाइक है पर्टिकुलर बाइक और एक बार चलाना। तो सोचे कि R15 कॉर्नरिंग में थोड़ा बहुत यहाँ पे चलाते हैं, देखते हैं इसका फील हम भी लेते हैं और आपको भी देते हैं। तो इसमें करते हैं हम लोग अभी बिस्मिल्ला। ये हमारे जामिल भाई का बाइक है और जो ग्राफिक्स है कहाँ से करवाए इन्होंने, ग्राफिक्स का पूरा जो चारों तरफ का सिर्फ 360 वगैरह है वो हमने वो वाले वीडियो में डाल दिया था, आई बटन में लिंक है, आप देख सकते हो। चलो अभी आप जामिल भाई एंजॉय करेंगे R3 के पहाड़ों में और हम चलाएंगे R15 100 के। आ जाओ, इसके टायर देखो, स्किट मारता है खाली। हाँ, अभी फिलहाल टायर की हालत बहुत खराब है, फिर भी थोड़ा बहुत तो ट्राई करेंगे। चलो बिस्मिल्ला। इसका ना जो फील है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। R3 में भी वो सेम फीलिंग लाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, यानी कि जो सस्पेंशन है वो सब, जो सामने का जो हैंडल बार है उसको भी नीचे करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बहुत फील आता है। और यहाँ पे आई गेस सुजुकी वी स्टॉर्म है। यस, सुजुकी वी स्टॉर्म बहुत ही बढ़िया लगता है भाई साहब, एकदम गोदा मार के पता नहीं कौन से देश से आ रहे चला चला कर। इस तरह का टूरिंग बाइक हो तो मतलब क्या ही बताए। एनीवेज हमारे पास जो है उसी का लुत्फ उठाते हुए हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब गजब मजा आ गया भाई। इमरान भाई काफी गजब कॉर्नरिंग लेते हुए मजा आ गया बस। जो कॉन्फिडेंस है इसमें तो बहुत है, बट टायर्स जो है साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा टायर्स। हम तो भरपूर मजा ले रहे हैं एकदम। कैसा? बढ़िया। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले गाइस, ये जो मैं संडे राइड वगैरह करता रहता हूँ या फिर कहीं भी मैं ट्रेवल करता रहता हूँ तो बहुत सारे भाई लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतना जो ट्रेवल करते हो इतना कैसे आप मैनेज करते हो, कैसे आप एफोर्ड करते हो, ये सब करने में तो पैसा वगैरह बहुत खर्चा होता है। तो गाइस लेट मी टेल यू, IQ ऑप्शन बोल के एक ऐप है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ और ढेर सारा पैसा जो अर्न करता हूँ। ये वाला जो ऐप है आप भी इसको यूज करके ढेर सारा पैसा इनकम कर सकते हो, काफी इजी टू यूज ऐप है और काफी ट्रस्टेड ऐप है। गूगल प्ले स्टोर में इस ऐप का 50 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है। चलिए गाइस मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरह से इस ऐप में ट्रेडिंग करने से आपको भी पैसा मिल सकता है, आप भी अर्न कर सकते हो ताकि आपको भी थोड़ा बहुत मदद हो जाए। तो गाइस कुछ इस तरह का आइकन देखने को मिल जाता है हमें IQ ऑप्शंस का, तो इसको हम अभी ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप साइन अप कीजिएगा तब आपको डेमो अकाउंट में $10,000 मिलेंगे और उसी के साथ में आप ग्राफ का जो है प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का है इस ऐप का इंटरफेस। यहाँ पे ऊपर में आपको कुछ एसेट्स देखने को मिल जाएंगे जिसको देख के आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हो, और यहाँ पे मार्केट एनालिसिस में आप तरह तरह का न्यूज जो है उसको पढ़ के ट्रेडिंग गुरु बन सकते हो। अगर आप नए हो तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं, बेसिक ट्यूटोरियल
डिटेल्स जिसको देख के आप सीख सकते हो और अपना ट्रेडिंग का नॉलेज गेन कर सकते हो। और राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है जिसको दबा के आप मास्टर कार्ड, वीजा, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम के द्वारा अपना कैश जो है डिपॉजिट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, मैं आपको अपने रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम अपना रियल अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा रियल अकाउंट और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे रियल अकाउंट में 1031 रुपीज बैलेंस है। और इस ऐप का जो खास बात है वो ये है कि आप इस ऐप में मात्र 1 रुपए से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल 1 रुपए। ये जो ग्राफ है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को सोचते हुए आपको सिलेक्ट करना है कॉल बटन या फिर पुट बटन, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अभी कि ये जो ग्राफ है जाएगा नीचे, तो हम कंफर्म कर लेते हैं। और कंफर्म करने के बाद आपको 1 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा अपने रिजल्ट के लिए। और यहाँ पे फाइनली हमने जीत लिया है प्रॉपर 1 रुपए। और इसी विनिंग अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ 3 डॉट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको मिलेगा विड्रॉ का बटन, और विड्रॉ ऑप्शन पे जाके आप UPI के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से ट्रेडिंग करके आप IQ ऑप्शन पे पैसा अर्न कर सकते हो। और IQ ऑप्शन के नाम पे बहुत सारा फेक एप्लीकेशन भी है, उसके वजह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे के रखा है, वहाँ पे जाके क्लिक करके डाउनलोड कीजिए और ट्रेडिंग करना चालू कीजिए और अर्न करना भी चालू कीजिए। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो भाई तुम? तो हमें मिल चुका है सामने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए जा रहे हैं 220 वाले भाई साहब। भाई के पास हेलमेट भी नहीं है, पिलियन के पास भी हेलमेट नहीं, बड़े आराम से आसाम से और भगा के जा रहे हैं हमारे सामने। दुआ करते हैं आपको कुछ ना हो, ऐसे रोड में हाईवे पर ना ही चलाओ तो बेहतर है। लेकिन अब आ चुके हो, थोड़ा बहुत तांडव तो करोगे पता है हमें। ओ भाई 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 भाई, क्या कर दिया तूने भाई, थूक दिया डायरेक्टली हाथ में लग चुका है। हाईवे पे थूकने से पीछे गाड़ी आ रहा है नहीं आ रही, कम से कम ये तो सेंस रख, कॉमन सेंस नाम का चिड़िया तो है ही नहीं तेरे अंदर। थोड़ा देख के थूका करो, मेरे हाथ में आके थूक लग गया। हेलमेट हेलमेट सर सामने। अभी तो मेरे को मन कर रहा है कि ये दोनों को लात मार के गिरा के फिर बोलता हूँ मैं सॉरी बाबू, क्योंकि थूकने के बाद तो सॉरी बोल के हंस दिया, बस हो गया। कौन है ये, कहाँ से आते हैं? एक बकचोद गया नहीं, दूसरा बकचोद आ गया। देखो 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 देखो, आज क्या हो गया भाई साहब, खाली इस तरह के राइडर मिल रहे हमें? ये क्या कर रहा है भाई, सीधे रोड में कॉर्नर ले रहा है? ये क्या बकचोद है, ये क्या कर रहा है भाई? कौन है ये भाई? ओ भैया जाने दो जाने दो जाने दो, कहीं पे ठोक के मर जाएंगे ये लोग। जो देखा आपने अभी रास्ते में दबंगबाजी करते हुए जा रहे थे, सोचे कि कुछ हो जाएगा हादसा इसलिए छोड़ दिए, चलो जाने देते आगे क्योंकि हम भी जा रहे हैं स्पीड में। नहीं है इन्होंने इसलिए। खैर जो भी हो, एक तो आते वक्त मैंने बताया भी मोटर ब्लॉग में, एक बिना हेलमेट के घूम रहा है, बिना मतलब के पीछे पीछे हम लोग अगर जाएंगे ना उन लोग को और जोश चढ़ेगा और जोश चढ़ेगा और भगाएगा, फिर बाद में कुछ हो जाएगा तो गलती होगा ना फिर। इससे अच्छा है उन लोग को जाने दिए हैं, हम लोग आराम से जाएंगे, टेंशन नहीं है। भाई ये कौन सा टायर लगाया हो तुम? ये अपोलो का टायर है, जो कि मतलब अगली बार से अगर हमको कोई पैसा भी देगा तो भी नहीं लेना। एक्टिव जीप वाला है, अपोलो का लगाना है ना तो S1 अल्फा या फिर H1 लगाना, क्योंकि बाइक ऐसे तो पिकअप तो सही है, कॉर्नर में भाई साहब 5 पैसे का कॉन्फिडेंस भी नहीं देता। उस दिन हम लोग तो स्लो चला रहे थे, ये बाइक लेके कॉर्नर कर चुका है वो तो है, लेकिन रिक्स है भाई, टायर चेंज कर लेना क्योंकि इसका असली मजा है अच्छे टायर के साथ। अभी इन्होंने चला के तो भगाया लेकिन वो असली मजा नहीं आया भाई, और निंगनांग छू ने ना निंगनांग छू वो नहीं आया। और निंगनांग जो करते करते रोड में छपरी मिल गए, बिना हेलमेट के बाइक चला नो प्रॉब्लम, मेरे सामने जाके शिखर खा के सामने थूक रहा है, मेरे हाथ में आके गिरा है, दो लाफा मारना था उधर ही। और तुम्हारा तो बात अलग है, तुम्हारा खुद का बाइक है, तुम प्रो प्लेयर, तुमको चला चला के आदत है कि नहीं? जिसका घोड़ा वही संभाल सकता है, हमारा घोड़ा नहीं, तुम्हारा घोड़ा हम भी संभालता है अच्छे से पता है तुमको, टायर वायर अच्छा है ना इसलिए हम चला सकते हैं। जेके में भी अच्छा टायर मिल रहा है, रुको एक बार दिखा देते आप लोग को भी, अगर आप भी 150 cc बाइक चलाते हो तो ये टायर अब लगाना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि आपको पता ही है इमरान भाई किस तरह से हमको बाजू में से निकल के जा रहे थे एकदम फाड़ फूड कर, और हम जितना भी थ्रोटल दे, थ्रोटल में तो पावर है, कॉर्नर में जाके जब सुलाते हैं गाड़ी सूता नहीं है। इसका कितना प्राइस है? अच्छा 2900 में। और सामने का क्या है? और
सामने का सीएट लगा है। सीएट है लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब सुकून है। लेकिन इसमें ना इसमें अपोलो का S1 अल्फा चाहिए जो मेरा पुराना टायर था। गाड़ी को तुम सही तरीके से इज्जत नहीं दे रहे हो भाई। और पता नहीं GoPro में साउंड आया होगा नहीं आया होगा, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हम हाई स्पीड कर रहे थे, लेकिन माइक में थोड़ा इशू, आपको पता ही है खिड़की खिड़की वाला आवाज आता रहता है। लेकिन जो आते वक्त देखा हमने भाई, कॉपीराइट आ जाएगा भाई, गाना वाना बंद करो। तो आते वक्त जो आपने देखा मतलब सामने से, ऐसे तो पहले बिना हेलमेट वाला बंदा तो आ ही रहा था, उसके बाद वो लोगों का गैंग आ गया और गैंग में बंदा था 220 चला रहा था, जो हंसा हमने और इमरान भाई ने, ये भाई तो हमारा आर्टरी लेके आगे फुट हो गए थे। लेकिन जो 220 वाला था मतलब सीधे रोड में भाई, इधर एक बार सो रहे और इधर एक बार सो रहे, और बाइक जो उनका एकदम स्ट्रेट है, गरीबों का वैलेंटाइन, उसी काइंड ऑफ सिचुएशन था वो। वो हंसा देख के तो हमारा हंसी ही कंट्रोल नहीं हुआ। बाइक सीधा रहता है, मुंडी ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसे कॉर्नर ले रहे, ऐसे कॉर्नर ले रहे। वही तो तुम बोल रहे हो, चापरी वाला नहीं, वो लोगों का भाई का बहुत दुख है कि भाई प्रॉपर हेलमेट वेलमेट पहन के राइड करते फिर भी लोग भाई को चपरी बोल। एक्चुअली क्या ना कि R15 का जो कलर किया है भाई ने, ये बहुत रंगीला किस्म के बंदे है भाई, इस हिसाब से रंगीला कलर किया है। लेकिन क्या आजकल तो पता ही, अब जितने भी थोड़ा मैच्योर राइडर्स है, ये लोग जब कभी भी थोड़ा कलरफुल बाइक देखते हैं, ये लोग बोलते हैं ये तो निब्बा है भाई। फिर पता है किस लिए भाई ने करवाया, क्योंकि भाई अंदर से ही काफी रंगीले इंसान है। ज्यादा रंगीले नहीं हो गए क्या? दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है। आपने शेयरिंग कर दिया ना, पूरा शेयरिंग कर दिया ना। हाँ तो अभी टूट पड़ो, खाना है आपको, खाना है, लो खा लो। ओ भाई खाने का बिल कितना हुआ? पैसा मैं नहीं दूंगा, मेरे आंखों में देखो एक पैसा भी नहीं है मेरे पास। खाने पीने का प्रोग्राम सारा कुछ खत्म हो गया, इधर में कुछ सब्सक्राइबर मित्र मिल गए थे भाई। कहाँ गए थे तुम लोग, कहाँ गए थे? नौकरी मिले नहीं रोड पर, ये छुपे हुए थे क्या? वैलेंटिनो रोसी का डीएनए आ गया। हाँ वो हाँ गरीबों का वैलेंटिनो रोसी, गरीबों का रास्ते में दो तीन छाती भी मिला। तो वही मैं बता रहा था, इन लोग को ऐसा ऐसा रोड में कोई मिला था, ये लोग बोले फिर इनको भी मिला है। हमने उन लोग को बोला कि सर भाई आप तो बहुत अच्छे चलाते हो, चलो हमारे साथ भी चलो। मतलब मजाक मजाक में आपने उनका ले लिया? बोलो तो सर हम नौसिखिया है। अच्छा अच्छा, जब कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स में अच्छा, हमने छोड़ दिया, हमने लिया नहीं, हमने दे दिया, दे दिया, लेना देने का लेना भी जरूर। कभी कभी ले लो मन करे तो, नहीं तो देना भी अच्छा ही लगता है। समझाया? नाम बता दो एक बार। मेरा नाम साहिल है। मेरा नाम कुणाल है। मेरा नाम शुभज्योति नाथ। अभिषेक। चलो बढ़िया है, इसी तरह से प्यार बना के रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर सब्सक्राइब, शेयरिंग इज केयरिंग, दिस इज नॉट एयरटेल सिम। देखिए हालत ऐसा लग रहा है, पूरा दिन मिट्टी काट के आए हैं, एक पहाड़ तोड़ दिए हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन राइड करके शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद लगा आज। आज का ब्लॉग ये छोटा सा यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ज्यादा वीडियो देखते लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइट सेफ, ऑलवेज राइट सेफ माय ब्रदर एंड डोंट डबल योर मदर। चलो मिलते हैं अगले बार ब्लॉग में फटाक से। बाकी चूर चूर हो चुका है बदन और अभी हम लोग है जमील भाई के कमरे में है, यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। और देखो कमरा क्या दिखाएंगे, छोड़ो अभी मतलब जब कमरा बन जाएगा भाई का तब दिखाएंगे, अभी मतलब ऐसे ही फ्लोर पे जैसे आप हॉस्टल में रहते थे ना पहले, वैसा ही सीन चल रहा है यहाँ पे। पीजी वाला सीन है, पीजी वाला सीन है। देखो कैमरा कितना बेईमान कैमरा है, हमेशा उसको ही फोकस करता है। तुम ही बाय बाय बोल दो। बाय बाय।